हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 7 क्लास 9 कोंग्रुएंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो प्रॉपर्टी अगर ये दो प्रॉपर्टी दे रखी हैं तो ट्रायंगल कोंग्रुएंट कैसे होते हैं। आज नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज हम रीड करेंगे। अब टोटल प्रॉपर्टी, एक तो साइड 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 से कोंग्रुएंट हो सकते हैं, साइड एंगल साइड से, ये हम पिछली वीडियो में दोनों पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एंगल साइड एंगल और RHS। अब एंगल साइड एंगल, नाम से पता चल रहा है एंगल साइड एंगल कि दो ट्रायंगल, पहले तो एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि कोई ट्रायंगल उसके दो एंगल और उसके बीच की साइड, दो एंगल के बीच वाली साइड इक्वल दे रखी है कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच वाली साइड के, तो ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट होंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल कोंग्रुएंट होंगे, लिखेंगे कैसे, वो अब इस वीडियो में अब मैं डिस्कस करूँगा। देखो मेरे पास मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। मैं कह रहा हूँ एंगल, दो एंगल इक्वल दे रखे हैं कि ए एंगल, या मैंने एक निशान लगा, दूसरा एंगल एंगल सी, ये हमें दे रखा है एंगल आर के, इन दोनों एंगल के बीच की साइड ये है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है कि ये वाली साइड इसके, क्योंकि देखो एंगल साइड एंगल, कोई भी प्रॉपर्टी जब आप बनाओगे तो वो जब को प्रॉपर्टी जब बनाओगे तो आप सिर्फ एक ट्रायंगल को देख के प्रॉपर्टी बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल साइड एंगल। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बोलो क्या क्या इक्वल है। देखो एक तो ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू है, दूसरा एंगल सी, सी किसके इक्वल है आर के, तीसरा इन दोनों जो एंगल दे रखे हैं उसके बीच की साइड, तो ए सी इक्वल टू क्यू आर है, तो बाय एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल हो गए कोंग्रुएंट। तो ट्रायंगल मैंने लिखा ए बी सी कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल, हाँ भाई छोड़ दिया मैंने। अब देखो अगर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो ट्रायंगल लिखना बहुत इजी है। कैसे, देखो आपने ना एंगल के हिसाब से देखना, ए ए किसके इक्वल है क्यू, तो ए पहले पे है तो क्यू भी पहले पे होगा, बी नहीं दे रखा छोड़ो स्पेस छोड़ देना, सी आर के है तो सी थर्ड पे है तो थर्ड वाले पे आर, तो कौन बच गया पी, कौन बच गया पी, तो ए बी सी ट्रायंगल किसके कोंग्रुएंट आ जाएगा क्यू पी आर। इसको मैं फिर बता रहा हूँ, पहला ट्रायंगल अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो ए बी सी बी सी ए सी ए बी जैसा भी है, पर दूसरा ट्रायंगल उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे एंगल ए, ए क्यू के इक्वल है तो ए जिस पोजिशन पर है उसी पोजिशन पर क्यू होना चाहिए, सी जिस पोजीशन पे है उस दूसरे साइड उसी पोजीशन पे सी के कोरस्पोंडिंग एंगल है वो होना चाहिए, बाकी हो गया। अब अगर मान लो ये दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे, देखो पहली दो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा क्यू पी के, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा पी आर के, और तीसरा ए सी वो तो दे रखा है एंगल ए क्यू के, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। तो ये सारे प्रॉपर्टी, ये सारे पार्ट किस वजह से इक्वल होंगे, बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो इसी प्रॉपर्टी में मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसको हम ए ए एस भी बोल देते हैं कई बार, ए ए एस। अब कैसे ए ए एस कैसे बोलेंगे, देखो मान लो ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे थे, ठीक है, ये मान लो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, ये 80 है तो ये भी 80, ठीक है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी से, देखो अगर दो एंगल के इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा क्या आएगा, जो थर्ड एंगल है वो भी हमेशा इक्वल होगा। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है तो इसका मतलब जो उसके कोरस्पोंडिंग जो थर्ड एंगल होगा दोनों ट्रायंगल का वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो मैं इसको ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा,
तो मैं सिर्फ ये भी ले सकता हूँ कि भाई ये मान लो ये 60 आ जाएगा, हमने लिख दिया एंगल एंगल साइड, एक तरफ से देखेंगे एंगल एंगल साइड कि एंगल एंगल साइड से भी इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब इसके बाद आती है इसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से है RHS। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को RHS, वो कुछ और लगा देते हैं प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, देखो RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, RHS का मतलब है राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब साइड, कोई भी साइड इक्वल। तो इसका मतलब RHS कहाँ पे लगेगी, RHS लगेगी राइट ट्रायंगल पे। इसका मतलब एक दो राइट ट्रायंगल होने चाहिए, पहले तो PQR XYZ, तो एक तो दोनों ट्रायंगल के एक एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है हो गया। दूसरा हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो भैया 90 के साइड वाली हाइपोटेन्यूज है तो ये यहाँ पे, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा साइड, साइड का मतलब कोई भी साइड इक्वल हो, साइड का मतलब कोई भी साइड हो, जैसे मैंने ले लिया ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, RHS। अब देखो इसमें ना स्टूडेंट क्या सोचते हैं, वो देखेंगे कि भाई ये साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, तो वो लिख देगा ASS। वो क्या लिख देता है, एंगल साइड साइड कि ASS, बेटा ये ASS ये होता है S मतलब गधा। तो गधा हमारे पास कोई प्रॉपर्टी, हमारे मैथ में कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एक 90 का है एंगल, उसके सामने के हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, RHS। तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये देखो मैंने लिखा इन ट्रायंगल PQR, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले ये जरूरी है लिखना XYZ। अब क्या क्या इक्वल है लिख दो, पहले एंगल Q इक्वल टू Y लिखा, PR इक्वल टू XZ, नेक्स्ट QR XY के, तो बाय RHS ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। बोलो भाई देखो सबसे पहले लिखा PQ किसके इक्वल है, PQ दे ही नहीं रखा भाई, PQ दे ही नहीं रखा, छोड़ो से QR, तो QR किसके इक्वल है XY, तो लास्ट में होना चाहिए XY, तो यहाँ के लिए बच गया Z, लास्ट दो पे XY चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले पार्ट पे तो 100% कन्फर्म हो गया हमारा Z पॉइंट आएगा। अब इसके बाद एंगल देख लेते हैं, एंगल Q किसके इक्वल है Y, तो Q हमारा बीच में है तो Y यहाँ बीच में हो जाएगा, तो यहाँ के लिए कौन बचा X, तो ये हो जाएगा PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ZYX। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे, देखो पहला पहले के इक्वल, मतलब एंगल P इक्वल टू होगा Z के, QY के दे रखा है, एंगल R हो जाएगा X के, और ऐसे ही इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी। अब इसमें ना एक और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि क्या AAA, क्या एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि उसकी सारी साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल आप कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए तब वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो क्या एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका आंसर है नो। ये कभी, ये कुछ केस में कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, ठीक है, कुछ में नहीं भी होगा, तो वो उसके क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड है। कैसे, जैसे देखो मैंने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, एक मैंने ले लिया XYZ, इक्विलेटरल है तो ये सारे एंगल 60 60,
ये भी इक्विलेटरल है, सारे एंगल 60। तो अगर वैसे देखो शकल से दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक और मैं इसके फिगर इसका ले लेता हूँ 2 2 2, और ये साइड ले लेता हूँ मैं 4 4 4। भाई इक्विलेटर ले तो सारी साइड भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब कि ये तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल हैं, पर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ट्रायंगल एबीसी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्सवाईजेड, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे तो ये हमेशा होंगे सिमिलर, ये सिमिलर होते हैं कि हाँ भाई इस जैसा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी टोटल, ये चार प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये चार प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो ये चैप्टर 7, चैप्टर 8 या आप 10th में भी कुछ वो जो ट्रायंगल करोगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, वो आप इजीली कर पाओगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।